हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राहुल और आज मैं जा रहा हूँ बाजपुर जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। काम मुझको कोई नहीं है, खाली ये ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के प्यार की वजह से आप लोगों ने बोला है कि आप एक बार उत्तराखंड आपके नज़दीक पड़ता है तो वहाँ जाके आप कुछ ना कुछ हमको दिखाइए। तो उत्तराखंड नज़दीक तो पड़ता मगर हमारे यहाँ से उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो बहुत दूर हैं। आने वाले ब्लॉग में, आने वाली वीडियो में आपको वो भी दिखाऊँगा, तो उसके लिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और फिलहाल के लिए अभी चलते हैं हम उत्तराखंड की माँ सिटी जो है बाजपुर, तो वहाँ चलते हैं। ब्लॉग को देखते रहिए। इस रास्ते पे जो मेरे पीछे रास्ता आप देख रहे हैं तो इस पे गांव बहुत पड़ते हैं और मैं मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है नेशनल हाईवे जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और बाजपुर सिटी जो है अभी थोड़ी आगे है यहाँ से। तो ये जो मेरे पीछे वो रोड गई ये सीधा हल्द्वानी जाता है और जो मेरे आगे को रोड जाता है ये सीधा हरिद्वार जाता है। तो ये पूरा नेशनल हाईवे जो है डबल लाइन है, ये उत्तराखंड में पड़ता है और मुझको बाजपुर जाना है तो मैं अब इधर को जाऊँगा, इधर से जाकर बाजपुर पड़ता है। तो जी आ गया हूँ मैं सिटी के अंदर और ये सिटी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो डॉक्टरों से, क्योंकि यहाँ पर हर मर्ज का डॉक्टर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर हैं कि इतना फेमस है ये, दूर दूर तक जो है ये सिटी फेमस है डॉक्टरों के लिए। तो अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, पहले ही नंबर पर हॉस्पिटल है यहाँ पर और ये सीधा बाजपुर के अंदर जाता है रास्ता। और दोस्तों मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पर CPU वाले यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं हमेशा और मेरे पास हेलमेट भी नहीं है। कागज़ तो है बाइक के पर हेलमेट नहीं है, तो उसके लिए पता नहीं मुझको अंदर जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं फिर। नारियल, ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट है ये, वो नारियल पानी पी। बहुत सारी वैरायटी के फल रखे हैं यहाँ पर, हर एक वैरायटी का फल है मुझे शायद लगता है। नारियल
आगे नहीं जा सकता, मैं सीपीयू वाले खड़े हैं आगे, मेरे पास हेलमेट भी नहीं है। ये जो सड़क गई है डॉक्टर पांडे सड़क, डॉक्टर पांडे जो बहुत फेमस हैं ऑपरेशन के मामले में, तो वो इधर बैठते हैं। और ये हैं डॉक्टर पी के शर्मा। अभी मैं खड़ा हूँ डॉक्टर हरीश लांबा के सामने, डॉक्टर हरीश लांबा, और मेरे थोड़ी बहुत आगे जाके सीपीयू वाले जो है अपना काम कर रहे हैं, यानी कि चेक इन कर रहे हैं। और मैं अब आगे नहीं जा सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मेरे पास हेलमेट भी नहीं है, कागज़ तो है, गाड़ी सीज हो सकती है, और इसका जो है बीमा भी नहीं है, तो मुझे अभी निकलना। तो ये है बाजपुर सिटी, आप आगे को यहाँ से काला ढोंगी जाती है रास्ता सीधी, आगे को जाएंगे तो काला ढोंगी, पीछे को जाएंगे तो रामपुर जाती है, आप आ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं सिटी के एकदम बाहर आ गया हूँ, और वहाँ पर चेक इन चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा हैवी यानी तगड़ा, अगर वो मुझको पकड़ लेते तो गाड़ी सीज हो जाती, इसलिए मैं सिटी से बाहर आ गया हूँ दूसरी तरफ से। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। एक ख़ास बात मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ पर मील बहुत हैं, यानी कि मील चाहे चावल का और गेहूं का मील, तो एक ये सामने है और एक मेरे पीछे है और एक मेरे आगे है, तो और पीछे भी 7-8 थे, यहाँ पर मील बहुत हैं, यानी कि यहाँ पर रोज़गार की कमी नहीं होगी शायद, ऐसा लगता है मेरे को। मैं रास्ते से जा रहा था तो एक गाँव को जो जोड़ता है, एक अस्थाई पुल है ये, और ये राहगीर निकल रहे हैं सामने, इधर को गाँव पड़ता है, तो देखिए कितनी मुश्किल होती होगी जब इनमें बारिश का पानी भर जाता होगा, यानी कि बाढ़ आ जाती होगी इस नदी में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी, गाँव का संपर्क टूट जाता होगा। तो अगर ये मेरी वीडियो कोई सरकारी आदमी या ठेकेदार देख रहा है तो इस गाँव का पुल बनवाने की कोशिश करें। तो मैं वापस आ गया हूँ अपने घर बाजपुर सिटी घूमकर, घूमने का क्या मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इस सीपीयू वाले खड़े थे वहाँ पर, मेरी गाड़ी पकड़ जाती तो और दिक्कत हो जाती, तो मैंने जगह जगह के शॉर्ट लिए हैं, फिर भी थोड़े बहुत शॉर्ट तो लिए हैं। आपको अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले, क्योंकि मैं ऐसे ही ब्लॉग्स बनाता रहता हूँ।